के एक हीरा व्यापारी ने 5,000 से अधिक अमेरिकी हीरों का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। हीरा व्यापारी ने इसे अयोध्या में राम मंदिर को उपहार में देने का फैसला किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अगले साल 22 जनवरी को दोपहर में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला को विराजमान करने का फैसला किया है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या भारत के लोगों के लिए आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। रसेश ज्वेल्स के निदेशक कौशक काकड़िया ने बताया कि इस हार में 5,000 से अधिक अमेरिकी हीरों का इस्तेमाल किया गया है। ये हार 2 किलोग्राम चांदी से बना है और ये अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर से प्रेरित है। काकड़िया आगे कहते हैं कि ये किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं है, उन्होंने इसे राम मंदिर को उपहार में देने के लिए बनाया है। काकड़िया ने बताया कि रामायण के मुख्य पात्रों को हार की डोर में उकेरा गया है। अयोध्या में रामलला शिशु भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा अभिषेक समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी से शुरू होगा। सुनिए इस हार के बारे में क्या कहते हैं कौशिक काकड़िया। बिजनेस पर्पस के लिए बिल्कुल नहीं है, ओनली फॉर राम मंदिर को हमें सप्रेम भेंट करना है। पूरे इंडिया से जो राम मंदिर बन रहा है, सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है। और ये जो राम मंदिर बन रहा है, हमने जो बनाया है, हमें वही पर्पस से बने कि हम भी कुछ दे। और वैसे देखा जाए तो सूरज जो है वो दानवीर की भूमि कहा जाता है, तो हम यही चाहते हैं कि सूरत की ओर से एक रसेश ज्वेल्स ने यही छोटा सा मेहनत किया हुआ है कि हम ये जो हमारा जो हमने जो बनाया हुआ है राम मंदिर, ये अयोध्या तक पहुँचे। सर हमारी जो ट्राई है, हमारी ट्राई जब से रेडी हुआ है तब से हमारी ट्राई, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से हम इसको अयोध्या तक पहुंचाएं। इसको बनाने में सर 30 दिन से ज़्यादा का समय लगा है और 40 से ज़्यादा ज्वेल आर्टिस्ट ने मेहनत की हुई है और उसी मेहनत का फल है जो हम इसमें संपूर्ण सफल हुए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।